हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड्स एंड साइब्रिड्स। हाइब्रिड और साइब्रिड के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई विल अपलोड अ वीडियो यू विल बी नोटिफाइड। और मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करती हूँ रिलेटेड टू बायोलॉजी, चाहे वो 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, ग्रेजुएशन लेवल हो, मास्टर्स लेवल हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। अगर आप इस तरीके के कोई स्टूडेंट हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आप लोग डेफिनेटली बेनिफिटेड होंगे मेरी वीडियो से, ठीक है, आई गारंटी दिस। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लेते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है हम एग्जाम्पल से समझते हैं। डेफिनेशन तो आप सभी पढ़ते हैं, आप इंटरनेट में देखेंगे, हाइब्रिड डालेंगे वहां पे भी डेफिनेशन होगी, बुक खोलेंगे वहां पे भी डेफिनेशन होगी। बट मेरा मोटो ये है, मैं आपको डेफिनेशन नहीं रटाऊं, यहाँ पे कुछ ऐसे ही नहीं बताऊं जो डेफिनेशन कहीं से टीप के डाल दी मैंने, ठीक है, वो ही बता दी। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग कॉमन से कॉमन लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझा सकूं और आप लोग उसको गेन कर सके, उसको समझ सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिड क्या होता है? कोई दो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ए ऑर्गेनिज्म है और बी ऑर्गेनिज्म है, वो दोनों अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। उन्होंने आपस में ब्रीड करा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें हुआ और उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो हमें रिजल्ट मिला उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक। इतना समझ में आया हाइब्रिड क्या है? दो ऑर्गेनिज्म है, वो दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं, ठीक है, वो दोनों अलग अलग स्पीसीज के हैं, उन्होंने आपस में ब्रीडिंग करा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें टेक प्लेस किया और उसके बाद जो रिजल्ट मिला, जो ऑफस्प्रिंग हमें मिला, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो कॉमन लैंग्वेज में जो म्यूल है, म्यूल इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड, ये सभी आप लोगों को पता है, ठीक है। म्यूल ने, फीमेल हॉर्स ने मेल डक्की के साथ ब्रीड किया और जो ऑफस्प्रिंग हमें मिला वो हाइब्रिड था, ठीक, वो म्यूल था। और जनरली हाइब्रिड के केस में हमें ये देखने को मिलता है जो हाइब्रिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन वायबल होते हैं और इनफर्टाइल होते हैं। नॉन वायबल मीन्स वो बहुत लंबे समय तक अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते हैं, अगर वो ऑफस्प्रिंग पैदा हो गया तो लंबे समय तक वो जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा जल्दी से, ठीक है। नॉन वायबल का मतलब ये होता है। और अगर वो वायबल रहा, अगर वो लंबे टाइम तक रह रहा है, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है, तो वो क्या होता है, इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि वो अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, वो फर्टाइल नहीं होंगे। ये केस हमने म्यूल के केस में देखा है कि वो वायबल तो होते हैं बट दे आर इनफर्टाइल। ये तो था डिफरेंस, ये तो था मीनिंग हाइब्रिड का, हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अगर हम हाइब्रिड सेक्स और जो सेक्स सेल्स हैं उनके अलावा भी अगर हाइब्रिड का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं इन लेबोरेटरीज तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिड। अगर हम किसी सोमेटिक सेल से हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिड। सोमेटिक सेल्स के हो गए जो भी हमारे बाकी के सेल्स हैं, एक्सेप्ट जो सेक्स सेल्स हैं उनके अलावा, जो जर्म सेल्स हैं हमारे उनके अलावा जितने भी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं वो सभी सोमेटिक सेल्स हैं। अगर उन सोमेटिक सेल्स से हम हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिड्स, ठीक है। और सोमेटिक हाइब्रिड की प्रोसेस को बनाने, जो प्रोसेस होती है उनको बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इतने सारे टर्म आ गए, हाइब्रिड्स क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिड्स क्या होता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और आगे हम साइब्रिड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन होता है, सोमेटिक सेल्स के का हम फ्यूजन करवाते हैं और हाइब्रिड बनाते हैं। जो सोमेटिक हाइब्रिड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सबसे पहला एसिमेट्रिक हाइब्रिड और दूसरा होता है सिमेट्रिक हाइब्रिड। सिमेट्रिक हाइब्रिड नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें जो दो हमने सेल्स लिए हैं उन दोनों के सेल्स इक्वल अमाउंट में होंगे और उन दोनों का जो जो करेक्टर होंगे वो उस हाइब्रिड में एक्सप्रेस हो रहे होंगे, इक्वल अमाउंट में एक्सप्रेस हो रहे होंगे, ठीक है। वहीं एसिमेट्रिक हाइब्रिड के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हाइब्रिड बना है, जो हमारे पास हाइब्रिड है, रिजल्ट जो हमारे पास है उसमें एसिमेट्री देखने को मिलेगी। एसिमेट्री किस केस में, कि हमें उन दोनों में से सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म या फिर एक ही सेल के हमें कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, ज्यादातर करेक्टर, दूसरे वाले के बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर हमें अगर उसका एक्सप्रेशन दिख रहा है तो उसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक
हाइब्रिड बात कर लेते हैं साइब्रिड्स के बारे में। साइब्रिड्स क्या होते हैं? देखो, जैसे हमने हाइब्रिड लिया, हाइब्रिड में हमने दोनों के जो न्यूक्लियर जीन्स हैं, यानी कि जो दोनों के न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन करवाया, ठीक है, उनमें दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म के न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ। बट इन केस ऑफ साइब्रिड हमें दोनों के न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है, हमें साइब्रिड CYBRIDS साइब्रिड्स का मतलब, CY का मतलब साइटोप्लाज्म, हमें उन दोनों के साइटोप्लाज्म से लेना देना है, हमें उनके न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हमें उनके साइटोप्लाज्म का हाइब्रिड बनाना है, तो उसको हम बोलते हैं साइब्रिड। जहां पे साइटोप्लाज्म का हाइब्रिड हो, दो अलग अलग सेल्स के साइटोप्लाज्म का हाइब्रिड जहां पे बन रहा हो, तो उस केस को हम बोलते हैं साइब्रिड या फिर साइब्रिड फॉर्मेशन। जैसे हमने एक सेल लिया और दूसरा सेल लिया, ए और बी कोई हमने सेल लिए, हमने क्या किया, हमें इन दोनों के न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है, हमें इन दोनों के सिर्फ साइटोप्लाज्म से लेना देना है, साइटोप्लाज्म चाहिए हमें इनका, क्यों चाहिए वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो हमें ए और बी का साइटोप्लाज्म चाहिए, चाहे न्यूक्लियर जीनोम किसी का भी हो, न्यूक्लियस किसी का भी हो, हमें सिर्फ साइटोप्लाज्म चाहिए दोनों का, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों को फ्यूज करा और इन दोनों के जो न्यूक्लियस है उसमें से किसी एक के न्यूक्लियस को एलिमिनेट कर दिया, किसी भी तरीके से एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स होती है, उस तरीके से हमने एक के न्यूक्लियस को एलिमिनेट किया और दोनों के साइटोप्लाज्म को मिक्स कर दिया, दोनों के साइटोप्लाज्म अब हमारे पास प्रेजेंट है एक सेल में, एक हाइब्रिड में, तो उसको हम बोलते हैं साइब्रिड। इस साइब्रिड में हमारे पास ए वाले का भी साइटोप्लाज्म है, हमारे पास बी वाले का भी साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अब हमें साइटोप्लाज्म क्यों चाहिए, क्योंकि कुछ जीनोम, कुछ जीन ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आप लोगों ने सुना होगा, तो कुछ जीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उस जीन के लिए हमें साइटोप्लाज्म तो चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं साइटोप्लाज्म का हाइब्रिड बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं साइब्रिडाइजेशन। अब आप लोग बोलेंगे कि हम न्यूक्लियस का रिमूवल कैसे करते हैं, ठीक है, या फिर हम न्यूक्लियस जब हमने रिमूव करना होता है तो वो कैसे किया जाता है और क्यों करते हैं वो, क्योंकि हमें एक ही का न्यूक्लियस चाहिए, हमें न्यूक्लियस से लेना देना नहीं है, न्यूक्लियस हमें सेल को मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूक्लियस तो चाहिए, तो इसीलिए हमने किसी भी एक दोनों में से एक सेल का न्यूक्लियस को रख लिया और एक को एलिमिनेट कर दिया बहुत सारी प्रोसेस से। या तो हमने कोई ऐसा सेल लिया जिसका हमने ऑलरेडी बी सेल हमने ऐसा ले लिया जिसका ऑलरेडी हमने न्यूक्लियस रिमूव कर रखा है, वो ई न्यूक्लिएटेड सेल है, ई न्यूक्लिएटेड सेल और एक न्यूक्लिएटेड सेल का फ्यूजन करवा दिया तो हमारे पास साइब्रिड बन गया, ठीक है। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस ये हो गया कि हमने एक ऐसा सेल लिया, हमने अभी बी है और ए दोनों सेल लिए, उन दोनों में न्यूक्लियस अभी प्रेजेंट है, फिर उन दोनों का फ्यूजन हुआ, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है, फिर जाके कैरियोगैमी होती है, प्लाज्मोगैमी होगी, अब कैरियोगैमी जब हो रही होगी, जब हेट्रोकैरियन का फॉर्मेशन हो जाएगा, दो अलग अलग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, वहां पे दो अलग अलग न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो एक हेट्रोकैरियन में से एक न्यूक्लियस को रिमूव करवा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो बचा वहां पे सिर्फ एक न्यूक्लियस, तो ये सेकेंड प्रोसेस होगी कि हमने जो सेकेंड न्यूक्लियस था हेट्रोकैरियन के टाइम पे, जब हेट्रोकैरियन का फॉर्मेशन हो उस टाइम पे हमने उस न्यूक्लियस को रिमूव करवा दिया। सो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि कैसे हम जो एक ही न्यूक्लियस को रहने देते हैं, दूसरे वाले सेल के न्यूक्लियस को रिमूव करते हैं ताकि हमें दोनों के साइटोप्लाज्म मिल सके और हम साइब्रिड्स का फॉर्मेशन कर सके। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हाइब्रिड का मतलब क्या है और साइब्रिड्स का मतलब क्या है। साइब्रिड में साइटोप्लाज्म का हमें हाइब्रिड मिल रहा है, साइटोप्लाज्म दो अलग अलग सेल के फ्यूज हो रहे हैं, बट हाइब्रिड के केस में साइटोप्लाज्म तो फ्यूज होंगे ही होंगे, बट वहां पे जो न्यूक्लियस है उन दोनों के, वो न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो रहा है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, जो हम ध्यान में नहीं रखते हैं। हाइब्रिड का मतलब हमने सीखा, आज की वीडियो में हमने सीखा हाइब्रिड क्या होता है, हमने सीखा सोमेटिक हाइब्रिड क्या होते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, सोमेटिक सेल्स भी हमने सीखी। सोमेटिक सेल्स क्या होती है, जो अदर देन सेक्स सेल्स, हमारी जो जर्म सेल्स होती है उसके अलावा जितनी सारी सेल्स होती है उनको हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। फिर हमने सीखा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन सीखा, फिर हमने सीखा ये साइब्रिड्स क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, साइटोप्लाज्म में भी जीन प्रेजेंट होते हैं ये भी हमें आज पता चला, और
हम कैसे साइबेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं वो भी हमने सीखा। ई न्यूक्लिएटेड सेल क्या होती है वो भी हमने सीखा। ई न्यूक्लिएटेड सेल यानी कि जो सेल में न्यूक्लियस रिमूव है, उस सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो उसको हमने बोल दिया ई न्यूक्लिएटेड सेल। तो इस वीडियो में हमने कितनी सारी चीजें सीख ली है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों को पता है वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करना है नीचे कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर पर्टिकुलर वर्ड पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। मिलते हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।